हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन आर्ट्स क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है स्टेडलर की पेंसिल। 6 पेंसिल का ये सेट है, अमेजोन से मैंने परचेज किया है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका आज हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे ये कैसा है प्रोडक्ट। इससे पहले मैं यूज़ करता था आर्ट लाइन की पेंसिल, ये भी अच्छी है, बट जितने की ये इस पेंसिल का सेट आ जाता है उतने में तो ये एक पेंसिल आती है। तो देखते हैं, इतनी महंगी है तो इतनी कॉस्टली है तो क्या फ़र्क है इसमें, इसको खोलते हैं, चलिए देखते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर दी थी अमेज़न की। पैकिंग बहुत अच्छी है और टिन बॉक्स में आई है, ये रखने में आसानी रहेगी हमारे को। ये देखिए, इसका मैनुअल गाइड है, कुछ इसके अंदर होगा इसका डिटेल, चलो इसको बाद में देखेंगे। ये है 6 पेंसिल का सेट। बहुत सुना है इसके बारे में, बहुत आर्टिस्ट लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी बताते हैं। तो हम देखेंगे इसको आज कैसी है ये पेंसिल, बाकी इसका आर्ट लाइन के साथ भी कंपेयर करके देखेंगे कि आर्ट लाइन में और इसमें कितना डिफरेंस है। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे पेंसिल महंगी यूज़ करें आप, चाहे सस्ती पेंसिल यूज़ करें, लेकिन अपनी स्किल होनी चाहिए ड्रॉ करने की। सस्ती चीज़ों से जो अच्छी चीज़ें बना दे वो अच्छा आर्टिस्ट होता है। तो सबसे पहले इसकी HB पेंसिल को थोड़ा सा यूज़ करके देखेंगे, आर्ट लाइन की HB पेंसिल को, और उसके साथ में ही स्टेडलर की पेंसिल यूज़ करेंगे। इसको मैंने अपने बहुत सारे आर्ट वर्क्स में यूज़ किया है और ये स्टेडलर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने सेट नहीं मंगवाया था, लूज पेंसिल यूज़ की थी। इसको देखेंगे, ये HB है। तो देखिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ी महंगी है तो थोड़ा सा तो फ़र्क होगा ही, इतनी कॉस्टली इतने पैसे हमारे लग रहे हैं तो कुछ तो फ़र्क होगा ही। ये थोड़ी चलने में सॉफ्ट है इसके कंपेयर में, लेकिन शेडिंग अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप इस पेंसिल से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपका बजट है तो आप ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी चलने में सॉफ्ट है, ये थोड़ी सी हार्ड है, हार्ड नहीं कह सकते, थोड़ा सा रफ़ टेक्सचर ये देती है और ये थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर देती है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी इसकी डार्क पेंसिल हम यूज़ करेंगे, इसके अंदर डार्क 8B डार्क आती है 6 पेंसिल के सेट में, और इसके अंदर डार्क 10B तक डार्क आती है। तो पहले हम 8B के साथ 8B कंपेयर करेंगे, फिर 8B के साथ हम 10B को कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सी ज़्यादा डार्क है। स्टेडलर की हम चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, स्टेडलर की 8B पेंसिल ज़्यादा डार्क है आर्ट लाइन की 8B पेंसिल के कंपेयर में। और अगर 10B की हम बात करें आर्ट लाइन की, तो 10B आर्ट लाइन की 10B और स्टेडलर की 8B में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन आर्ट लाइन की 10B ज़्यादा डार्क है। बट
आर्ट लाइन की 8 भी उतनी डार्क नहीं है जितनी स्टैडलर की 8 भी डार्क है। देखिए ये है आर्ट लाइन की 8 भी और देखिए ये है आर्ट लाइन की 8 भी और ये है स्टैडलर की 8 भी, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट आर्ट लाइन की 10 भी ज़्यादा डार्क है इसके 8 भी के कंपेयर में, स्टैडलर की 8 भी के कंपेयर में। बट इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये देखिए ये दोनों, ये आर्ट लाइन की 8 भी है और ये है स्टैडलर की 8 भी। तो बस यही फ़र्क है, थोड़ी सॉफ्ट चलती है और इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें एक 10 भी आ जाती है, इसमें 10 भी नहीं आती, लास्ट 8 भी डार्क होती है। तो मैं कहूँगा कि आप, अगर आपका बजट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है आपको स्टेडलर पेंसिल लें, आप आर्ट लाइन पेंसिल भी यूज़ करें। 70-75 या लगभग 80 के करीब इसका पेंसिल का सेट आ जाता है आर्ट लाइन का, और ये तो बहुत कॉस्टली है, 600 से 700 रुपये तक आपको मिलेगी स्टेडलर पेंसिल। तो ये मत सोचिएगा कि अगर आपके पास स्टेडलर पेंसिल नहीं है तो आप नहीं कर सकते कुछ, या फिर आप अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन हमारा अच्छा होना चाहिए ड्राइंग करते टाइम। हम सस्ती पेंसिल से भी अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर आपका बजट है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ये पेंसिल लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा स्मूथ है, शेड करने में आसानी होगी, ड्रॉ करने में आसानी होगी, इसलिए ये पेंसिल ज़्यादा बेटर है उससे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।